हाय गाइस, वेलकम टू अ ब्रांड न्यू सेशन ऑफ करंट अफेयर्स। आज की तारीख है 13 अप्रैल 2021। हमारे दो चैनल्स हैं, पिनाकल और फ्रंटियर आईएएस। और अगर अभी तक आपने इन चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ इस बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दो वेबसाइट्स हैं, ssclpinnacle.com और baljeetdhaka.com। इन दोनों को विजिट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और ये सेशन दोनों चैनल्स पर सुबह 4 बजे अवेलेबल हो जाता है। साथ ही साथ फॉर डेली वीडियोस, पीडीएफ एंड मंथली मैगजीन, आप हमारे टेलीग्राम हैंडल्स फ्रंटियर आईएएस और ssclpinnacle ऑनलाइन को ज्वाइन जरूर करें। स्टार्ट करेंगे प्रीवियस क्विज के साथ। मैंने आपसे पहला क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में किस देश ने नौरा अलमतरौशी को अपनी पहली महिला अंतरिक्ष यात्री नामित किया है, जिसका सही जवाब था संयुक्त अरब अमीरात। और दूसरा क्वेश्चन पूछा था कि लिटिल गुरु ऐप दुनिया का पहला गेमीफाइड लर्निंग ऐप किस भाषा का है, जिसका सही जवाब था संस्कृत। स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन देखो आज के सेशन का। भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन होंगे, तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी सुशील चंद्रा। तो चुनाव आयुक्त यानी इलेक्शन कमिश्नर सुशील चंद्रा देश के अगले मुख्य चुनाव आयुक्त होंगे। वरिष्ठतम चुनाव आयुक्त यानी सीनियर इलेक्शन कमिश्नर को मुख्य चुनाव आयुक्त यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर नियुक्त करने की परंपरा का निर्वहन करते हुए सरकार ने निर्वाचन सदन में शीर्ष पद के लिए उनके नाम पर अपनी मोहर लगा दी है। उन्हें तस्वीर में देख लीजिए। सुनील अरोड़ा के पद से हटने के एक दिन बाद यानी 13 अप्रैल को चंद्रा पद भार ग्रहण करेंगे। उन्हें 14 फरवरी 2019 को लोकसभा चुनाव से पहले चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया था। वह 14 मई 2022 तक इस पद पर रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस देश ने जलवायु परिवर्तन पर 30वीं बेसिक मंत्री बैठक की अध्यक्षता की है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी भारत। तो सबसे पहले बेसिक की फुल फॉर्म है ब्राजील, साउथ अफ्रीका, इंडिया और चाइना। तो जलवायु परिवर्तन पर 30वीं बेसिक मंत्री स्तरीय बैठक वस्तुतः 7 और 8 अप्रैल 2021 को आयोजित की गई थी। बैठक की अध्यक्षता भारत के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर ने की। मंत्रियों ने COP25 के चिली प्रेसिडेंसी और ग्लासगो के सफल परिणाम के बाद COP26 के आने वाले यूनाइटेड किंगडम प्रेसिडेंसी के लिए अपना पूर्ण समर्थन देने का वादा किया। यह तस्वीर में देखिए, मंत्रियों ने प्रेसिडेंसी और सचिवालय द्वारा अनौपचारिक परामर्श यानी इनफॉर्मल कंसल्टेशन को आगे बढ़ाने के लिए किए गए प्रयासों की सराहना की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हिदेकी मत्सुयामा किस खेल की एक प्रमुख चैंपियनशिप जीतने वाले पहले एशियाई बने हैं, तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी गोल्फ। तो हिदेकी मत्सुयामा गोल्फ की चैंपियनशिप जीतने वाले जापान के पहले व्यक्ति बन गए हैं। ऐसा करने वाले वह एशिया के पहले व्यक्ति भी हैं। यानी तस्वीर में देख लीजिए, मत्सुयामा ने अमेरिकी रूकी विल्जर टॉरिस से एक स्ट्रोक अधिक लेकर जीत हासिल की। जापान गोल्फ टूर के अध्यक्ष हैं इसाओ ओकी। बात करें यहाँ पर जापान की, तो इसकी कैपिटल है टोक्यो, करेंसी है येन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पंजाब के एंटी कोरोना वायरस टीकाकरण कार्यक्रम के लिए किस अभिनेता को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी सोनू सूद। तो अभिनेता सोनू सूद को पंजाब के एंटी कोरोना वायरस टीकाकरण कार्यक्रम के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। पिछले साल कोरोना वायरस प्रेरित लॉकडाउन के दौरान सोनू सूद ने प्रवासियों को अपने गृह राज्यों में पहुंचने में मदद की थी। यानी तस्वीर में देख लीजिए, COVID-19 महामारी के बीच सूद ने हजारों गरीबों की मदद की थी। बात करें यहाँ पर पंजाब की, तो इसकी कैपिटल है चंडीगढ़, गवर्नर है बीपी सिंह बदनौर, चीफ मिनिस्टर है कैप्टन अमरिंदर सिंह। इसके डैम्स और रिवर्स में आता है रंजीत सागर डैम रावी, पतियारी डैम इंडस और पर्च डैम इंडस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने वायु प्रदूषण के स्तर को कम करने के तरीकों पर चर्चा करने के लिए 2 दिवसीय डिजिटल गोल में सम्मेलन का आयोजन किया है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी दिल्ली। तो दिल्ली सरकार ने शहर में वायु प्रदूषण के स्तर को कम करने के तरीकों पर चर्चा करने के लिए 2 दिवसीय डिजिटल गोल में सम्मेलन यानी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि सरकार ने अगले 5 वर्षों में वायु प्रदूषण को 1/3 यानी 1/3 कम करने का लक्ष्य रखा है। सम्मेलन में विशेषज्ञों और संगठनों के सुझावों के आधार पर सरकार एक दीर्घकालिक कार्य योजना यानी लॉन्ग टर्म एक्शन प्लान तैयार करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विश्व पार्किंसंस दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी 11 अप्रैल। तो पार्किंसंस के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए प्रतिवर्ष 11 अप्रैल को विश्व पार्किंसंस दिवस मनाया जाता है। पार्किंसंस रोग शरीर के गतिविधि में धीमापन, अकड़न और अस्थिरता पैदा कर सकता है। यह दिन लंदन के डॉक्टर जेम्स पार्किंसंस के
जन्मदिन का प्रतीक है, जो पार्किंसंस रोग के लक्षणों की पहचान करने वाले पहले व्यक्ति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोनम मलिक इस खेल से संबंधित है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, कुश्ती। तो 18 वर्षीय सोनम मलिक टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला पहलवान बन गई। अंशु मलिक और सोनम मलिक ने कजाकिस्तान में चल रहे एशियन ओलंपिक क्वालिफायर के फाइनल में जगह बना ली है। अंशु मलिक 57 किलोग्राम और सोनम मलिक 62 किलोग्राम भार वर्ग में खेलती हैं। यहाँ पर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की बात करें तो विनेश फोगाट टोक्यो खेलों में अपना स्थान बुक करने वाली देश की पहली महिला थी। रवि कुमार दहिया 57 किलोग्राम, बजरंग पुनिया 65 किलोग्राम और दीपक पुनिया 86 किलोग्राम पुरुष फ्री स्टाइल पहलवान है, जिन्होंने अब तक ओलंपिक में अपना स्थान सुनिश्चित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, ध्यान से देखना है। CSIR ने हाल ही में नीरी यानी नेशनल एनवायरमेंट इंजीनियरिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट के हेड राकेश कुमार को करप्शन एलिगेशन की वजह से रिमूव कर दिया है, लेकिन क्वेश्चन में आपको बताना है कि नीरी कहाँ सिचुएटेड है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, नागपुर। तो CSIR ने भ्रष्टाचार के आरोपों पर नीरी नागपुर के प्रमुख राकेश कुमार को निदेशक पद से हटा दिया है। करंटली बात करें तो नीरी के निदेशक का एडिशनल चार्ज CSIR भारतीय रासायनिक प्रौद्योगिकी संस्थान यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी हैदराबाद के निदेशक S. चंद्रशेखर को दिया गया है। कथित भ्रष्टाचार के बारे में केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को सूचना दी गई थी। पूछताछ पर कमीशन ने उन्हें करोड़ों रुपए की भ्रष्ट आचरण यानी करप्ट प्रैक्टिसेस में लिप्त पाया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लाइफ इन द यूनिफॉर्म नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अमित लोढ़ा। तो लाइफ इन यूनिफॉर्म शीर्षक वाली पुस्तक IPS अधिकारी अमित लोढ़ा ने लिखी है। अमित लोढ़ा एक IPS है जो इंस्पेक्टर जनरल के पद पर है, यह तस्वीर में देख लीजिए। इस पुस्तक में लोढ़ा ने अपने जीवन के बारे में बताया है। उन्होंने यह भी बताया कि कैसे उन्होंने एक अधिकारी बनने के लिए प्रशिक्षण लिया और बिहार में अपने करियर के सबसे यादगार शुरुआत की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पूर्वोत्तर राज्य ने जल जीवन मिशन के तहत सभी ग्रामीण परिवारों को नल का जल कनेक्शन प्रदान करने के लिए एक वार्षिक कार्य योजना प्रस्तुत की है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, दोनों बी और सी यानी सिक्किम और त्रिपुरा। तो जल जीवन मिशन के तहत सभी ग्रामीण परिवारों को नल जल कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए सिक्किम और त्रिपुरा ने वार्षिक कार्य योजना प्रस्तुत की। त्रिपुरा और सिक्किम राज्यों ने जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल और स्वच्छता विभाग के सचिव की अध्यक्षता वाली समिति के सामने ग्रामीण परिवारों को नल जल कनेक्शन प्रदान करने को लेकर अपनी वार्षिक कार्य योजना प्रस्तुत की। इसके बाद भौतिक एवं वित्तीय प्रगति यानी फिजिकल एंड फाइनेंशियल प्रोग्रेस और नियमित तौर पर क्षेत्र के दौरे के आधार पर एक साल में 4 किश्तों की रकम आवंटित की जाती है। राज्य में 2020-21 में 1.42 लाख नल जल कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। अब राज्य की योजना 2021-22 में 3.8 लाख नल जल कनेक्शन देने की है। बात करें यहाँ पर त्रिपुरा की, तो इसकी कैपिटल है अगरतला, गवर्नर है रमेश बायस और चीफ मिनिस्टर है बिप्लब कुमार देव। इसके नेशनल पार्क्स में आता है क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क और राजबरी नेशनल पार्क। वहीं बात करें सिक्किम की, तो इसकी कैपिटल है गैंगटॉक, CM है प्रेम सिंह तमांग और गवर्नर है गंगा प्रसाद। बात कर लेते हैं आज के सेशन के क्विक समरी की। तो इंडिया के अगले चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनेंगे सुशील चंद्रा। 30th बेसिक मिनिस्ट्रियल मीटिंग ऑन क्लाइमेट चेंज इंडिया ने होस्ट की। हिदेकी मत्सुयामा गोल्फ से संबंधित है। पंजाब के एंटी कोरोना वायरस वैक्सीनेशन प्रोग्राम के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं सोनू सूद। एयर पोल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए डिजिटल राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस दिल्ली में आयोजित की गई। वर्ल्ड पार्किंसंस डे 11 अप्रैल को मनाया जाता है। सोनम मलिक रेसलिंग से संबंधित है। नीरी नागपुर में सिचुएटेड है। लाइफ इन द यूनिफॉर्म बुक अमित लोढ़ा ने लिखी है। जल जीवन मिशन के अंडर टैप वाटर कनेक्शन प्रोवाइड करने के लिए एनुअल एक्शन प्लान सिक्किम और त्रिपुरा ने प्रेजेंट किया है। बात कर लेते हैं आज के सेशन के क्विज फॉर द डे की। आपका पहला क्वेश्चन है, भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन होंगे? और आपका दूसरा क्वेश्चन है, विश्व पार्किंसंस दिवस कब मनाया जाता है? इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर आपको नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर करना है। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ इस बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दोनों वेबसाइट्स और टेलीग्राम हैंडल्स को ज्वाइन जरूर करना है। थैंक यू सो मच।